ये देखिए मेरा हाथ तक झलक रहा है, एकदम शाइनी ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट खट्टा मीठा मजेदार आम पापड़, वो भी तैयार करेंगे मिनटों में, नो कलर नो प्रिजर्वेटिव। घर के बच्चे हों या बड़े, सभी का फेवरेट होता है आम का पापड़। अक्सर हम इसे बाजार से लेते हैं, लेकिन आज आप घर में ही मेरी सीक्रेट टिप्स से 100% परफेक्ट शाइनी ग्लॉसी खट्टा मीठा मजेदार आम पापड़ तैयार कर पाएंगे, वो भी मिनटों में। कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, एकदम आसान रेसिपी, और आप इसे पूरी साल भर के लिए स्टोर भी कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल को विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मार्केट स्टाइल खट्टा मीठा मजेदार आम पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो मीठे वाले आम। आम यहाँ पर आप किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं, बस आम पका हुआ हो और मीठा वाला हो। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो आम को बिल्कुल बढ़िया से धो लिया, और धो करके बस इस तरह से हमें इसका ऊपर का छिलका हटाना होगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है आम पापड़। जब हम छोटे थे तो हमारी दादी नानी खूब घर में बनाती थी, हम बच्चे खूब मजे से खाते थे। आज एकदम वैसे ही बढ़िया परफेक्ट आम पापड़ हम घर में तैयार फटाफट से करेंगे मिनटों में। और ये देखिए, चारों ही आम मैंने बिल्कुल बढ़िया से छील लिए हैं। बस छील करके इस तरह से रैंडमली इसके छोटे छोटे पीसेस हम कर लेंगे और गुठली को अलग कर देंगे। बहुत ही आसान है, बाजार से भी कहीं ज्यादा हाइजीनिकली टेस्टी आम पापड़ घर में बनाना, मिनटों में तैयार करेंगे। ऐसी कुछ सीक्रेट चीज आपको बताऊंगी कि आपका आम पापड़ पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा, शाइनी ट्रांसपेरेंट और खाने में ऐसा कि घर के बच्चे बड़े सब टूट पड़े। आम का सीजन है तो आम पापड़ बनाना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसे आप 2-3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। लीजिए, मैंने सारे आम कट कर लिए हैं और सारा आम का पल्प इस तरह से निकल आया है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो आम लिए थे, छिलका वगैरह सब हटा करके लगभग 900 ग्राम के करीब ये आम का पल्प मुझे मिल गया है। अब बस आप लीजिए ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम सारे आम के पीसेस को डाल देंगे और आम का एकदम फाइन पेस्ट हम तैयार करेंगे। अच्छा, आम को पीसते वक्त याद रखिए, आपको पानी बिल्कुल नहीं लेना, आम को आपको इसी तरह पीसना है बिना पानी के। यहाँ पे जरूरी बात कि आप बढ़िया से इसकी प्यूरी तैयार करें, कोई भी गुठली या लम्स नहीं रहने चाहिए, वरना आम पापड़ बनाने में परेशानी होगी। बिल्कुल फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सी आम की प्यूरी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, आप लीजिए एक कढ़ाई या पैन, और पैन में सारे पल्प को जो भी हमने पीस करके तैयार किया ना, सारा डाल देंगे। अभी मैंने इसको गैस पर नहीं चढ़ाया है, मैंने यहाँ लिए थे 1 किलो आम जिसमें से 900 ग्राम के करीब हमें पल्प मिल गया था, तो उस अनुसार मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3/4 कप चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम ली है, अगर आप 1 किलो ले रहे हो पल्प तो पूरी आप 1 कप चीनी ले सकते हैं। वजन से बोलूं तो 180 ग्राम के करीब मैंने चीनी ली है। ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो आपने आम लिए हैं वो कितने मीठे हैं या फीके हैं, उस अनुसार थोड़ी सी चीनी की मात्रा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बढ़िया से चीनी को मिक्स कर लेंगे पल्प के साथ। अब आप कहेंगे, पारुल अगर चीनी ना डालना चाहे तो? आप अगर चीनी नहीं यूज करना चाहते तो यहाँ पर आप गुड़ भी ले सकते हैं, बस इतना डिफरेंस होगा कि टेस्ट चेंज हो जाएगा और देखने में कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर असली आम के पापड़ का आपको मजा लेना है तो आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो जितनी आपने चीनी ली है उसी अनुसार आप गुड़ को क्रश करके ले लें। और अब हम चढ़ाएंगे अपने पैन को गैस पर, लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें आम की प्यूरी को तब तक गाढ़ा कर लेना है जब तक कि हल्की सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और जो पल्प है उसमें हल्का गाढ़ापन आ जाए। बहुत ही इजी है, खूब बाजार में आम आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट बिल्कुल ना के बराबर है, 2 से 3 चीजें ही चाहिए होती हैं, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये आम का पापड़। यहाँ पे जरूरी पॉइंट, आपको चलाना जरूर है, वरना क्या होगा, जो आम का पल्प है वो नीचे तले में लग जाएगा। तो चलिए, जब तक हमारा आम के पापड़ का मिक्स हो रहा है तैयार, फटाफट से करते हैं एक छोटा सा काम। अब आम के पापड़ को हमें जमाना भी तो है, तो यहाँ सेट करने के लिए मैंने लिए स्टील की थाली। आप कोई ट्रे हो स्टील की तो वो ले लीजिए, क्योंकि जब आप आम का पापड़ जमाएंगे ना तो पल्प बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो आप स्टील की प्लेट या थाली लीजिएगा तो आसान होगा उसको सेट करना। और बस प्लेट पर डालेंगे थोड़ा सा घी और उसे बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे, जिससे जमने के बाद आम पापड़ आसानी से निकल जाए। चलिए, तो प्लेट आम पापड़ सेट करने के लिए हो गई है तैयार, चेक कर लेते हैं अपने आम पापड़ के मिक्स को। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो गया है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। जैसे ही थोड़ा सा हमारा आम का पल्प गाढ़ा होने लगे, मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, क्योंकि खट्टा मीठा वाला आम का पापड़ बना रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे बाजार का आम के पापड़ में टेस्ट होता है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 1 बड़े नींबू का रस लिया है, चम्मच से बोलूं तो 2 बड़े चम्मच के करीब नींबू का रस है। अब जैसे ये मैं खट्टा मीठा वाला बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको इलायची फ्लेवर का भी बना सकते हैं,
साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 पिंच काला नमक, सिर्फ 2 पिंच। मजा आ जाएगा आम पापड़ के टेस्ट में। अच्छे से कर देंगे सभी चीजों को मिक्स और आम के पल्प को थोड़ा सा और पकाएंगे। आपको ना पता चलने लगेगा, इसमें हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, चिपचिपापन लगेगा छूने पर। आम पापड़ एक ऐसी चीज है कि जो घर के बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बड़े मजे से खाते हैं। और आज जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आसान है, मिनटों में ये तैयार हो जाएगा और जो टेस्ट आएगा, मतलब मार्केट के भी फेल है इस आम पापड़ के आगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा जो आम का पूरा पल्प था वो गाढ़ा भी हो गया है, और जब आप इस तरह उठा रहे हैं तो देखिए हल्का शाइनी दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट सा। और जब आप उंगली के बीच में लेंगे तो देखिए इस तरह की चिपचिपापन आपको फील होगा। यानी आम पापड़ बनाने के लिए मिक्स है बिल्कुल तैयार। इससे ज्यादा इसको ओवरकुक बिल्कुल नहीं करेंगे और तुरंत ही अपनी ग्रीस प्लेट में आम पापड़ के मिक्स को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि ज्यादा मोटा बनाएंगे तो फिर सूखने में उतना ही ज्यादा वक्त लग जाएगा। तो ज्यादा ना मोटा बने ना ज्यादा पतला, उस हिसाब से हम मिक्स को प्लेट में डालेंगे। और डाल करके थोड़ा सा प्लेट को इस तरह से रोटेट कीजिए और थपथपा के इस तरह हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, क्योंकि आम पापड़ का मजा तभी आता है। लीजिए, मेरी 3 प्लेट आम पापड़ इस तरह से तैयार हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि अभी इसको हमें सूखने के लिए रखना होगा लगभग 2 दिन के लिए। आप 2 दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिए, ऊपर से कोई इस तरह बारीक वाली छल्ली या कपड़ा डाल दीजिए और सूखने दीजिए। चाहे तो आप इसे पंखे में भी रख सकते हैं। 1.5 से 2 दिन में ये बिल्कुल परफेक्ट सूख जाता है। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ 2 दिन के लिए सूखने के लिए, फिर मिलते हैं। और ये देखिए, लगभग 2 दिन के करीब हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारा आम पापड़ सूख करके तैयार है और शाइनी भी दिख रहा है। तो बस अब एक आप लीजिए इस तरह का कोई भी नाइफ ले लीजिए और साइड से किनारे को हल्का छुटा लेंगे और धीरे धीरे आम पापड़ को इस तरह से प्लेट से अलग करेंगे। ये देखिए, वाव, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा आम का पापड़ सेट हुआ है और कितना शाइनी और ग्लॉसी दिख रहा है। ना बहुत ज्यादा पतला है ना बहुत ज्यादा मोटा। ये देखिए, और आप देख सकते हैं जब मैं हाथ इसमें नीचे लगा रही हूँ तो हल्का सा हाथ भी दिख रहा है। बनाया ना परफेक्ट, तो फिर बाजार का अनहाइजीनिक क्यों खाना जब घर में बनाना हो इतना आसान, आपके अपने हाथों का बना हुआ। इसी तरह हम बाकी दोनों प्लेट का भी आम पापड़ निकाल लेंगे। आम पापड़ को आप अपने मन चाहे तरीके से कट कर सकते हैं, रोल बना सकते हैं। तो मैं कुछ रोल बनाऊंगी, कुछ कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम जबरदस्त टेम्पटिंग। इसी तरह आप इसके स्टाइलिश रोल्स भी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे तैयार करें, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, परफेक्ट सूखा है। और इसे बनाना तो देखा आपने कितना आसान है, मिनटों का काम है बनाना। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम जबरदस्त टेम्पटिंग। तो इस गर्मी इस खट्टे मीठे मजेदार आम के पापड़ का मजा जरूर लीजिए इस तरह बना करके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्पेशल आम पापड़ की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।